अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके साथ मटन फ्राई चाप और ये बहुत ही अच्छी बनेगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और अंदर से जूसी है। इस ईद ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। तो फिर बताते हैं आपको कैसे बनती है और इसमें क्या क्या डलेगा। ये हमने मटन की चाप के पीस लिए हैं और ये करीब 2.5 किलो है और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको बनाना हो। तो अब बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा कुकर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सारी चाप अपनी। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने ये 50 ग्राम पीस लिया था तो हम इसको हाफ इसमें डाल देंगे, 25 ग्राम डाल देंगे और 25 ग्राम बचा लेंगे हम। अब इसको हम गैस में रख देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। गैस ऑन करेंगे, इसको अच्छे से चला देंगे और 5 से 6 प्रेशर आने तक आप अपने हिसाब से गला लें जैसा इसको गलाना होता है। बस बहुत ज़्यादा ना गले और बहुत टाइट भी ना हो, इस टाइप का गलाना है। 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी। वैसे तो इसमें पानी छोड़ता है लेकिन इसलिए हम कम डाल रहे हैं। जब तक हमारी चाप बॉयल हो रही है तो हम आपको बाकी के मसाले दिखा देते हैं। ये मसाले हैं जो ये बाद में जाएंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून करीब ये चाट मसाला है और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और ये 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून करीब ये गरम मसाला है और 1 टेबल स्पून ये भुना हुआ ज़ीरा है पिसा। और ये तो हम बता चुके हैं आपको। और ये नमक है, ये 1/2 टीस्पून है क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं और नमक चाट मसाले में भी होता है। और ये 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर है और ये 50 ग्राम बेसन और ये 300 ग्राम दही है और ये 2 नींबू का रस है और ये 2 अंडे हैं। देखते हैं चाप हमारी गल गई है तो हम ये अभी इसमें पानी है तो इसको हम जला लेंगे, ड्राई कर लेंगे। इसलिए हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था चाप को क्योंकि हमको इसको पानी के साथ भी। ये चाप हमारी बॉयल हो गई है, इसको हम अब इसमें मसाले डालते हैं। फिर हम डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे हम दही। अब इसमें डालेंगे जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बचाया था वो डाल देंगे। अब इसी में हम डाल देंगे ये सारे मसाले जो हमने आपको दिखाए थे। और इसमें डालेंगे अब ये कॉर्नफ्लावर। अब इसी में डाल देंगे हम ये नींबू का रस और ये इसी में डाल देंगे हम ये बेसन। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये डालेंगे 2 अंडे, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया था। आप मटन में ही डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सब चीज़। और ये हमें ऐसे मिला लेते हैं तो इसमें अच्छे से सारा मैश हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। अब ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम डाल देंगे मटन में। अब ये चाप में डाल देंगे, चाप ठंडी भी हो गई है हमारी, चाप तो अच्छे से डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे, बहुत नहीं इसको बॉयल करेंगे ताकि अगर ज़्यादा बॉयल हो गई तो मिक्स करने में टूटने लगेंगी। तो इसको हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिला लिया। अब हम तेल गरम करते हैं एक साइड। तेल अच्छे से गरम हो गया है, एक लोहे की कढ़ाई में हमने तेल गरम किया था। अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन कलर। बस इसको अब हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर में।
इसमें निकालेंगे टिश्यू पेपर में ताकि इसका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए सब। अब और पीस डाल देंगे। अब ये भी हम निकाल लेंगे और फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही डिलीशियस, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हम नींबू भी रखते हैं, कुछ लोगों को नींबू भी पसंद आता है डाल के, और प्याज भी है साथ में। तो आप भी बनाइए इस ईद और इन्जॉय कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड को भी बताइए और शेयर कीजिए। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।